हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं एक और नई जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि यदि आपको हेडेक होता है तो फिर इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे बेसिक से कारण होते हैं जिन्हें आप जानिए कि आखिर इनकी वजह से भी आपको सिर में दर्द हो सकता है। जैसे कि जो सबसे पहला कारण होता है वह यह कि यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, यदि आप तय समय से लगभग 8 घंटे से कम नींद लेते हैं तो इसकी वजह से आपको सिरदर्द हो सकता है। इसके साथ ही यदि आपके दिमाग की जो सिराएं होती हैं उनमें यदि रक्त जम जाता है तो इसकी वजह से भी आपको सिरदर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही जिन लोगों को ज़्यादा मेंटली वर्क करना रहता है, जिन लोगों को ज़्यादा तनाव होता है, ज़्यादा जल्दी चिंता हो जाती है, तो ऐसे लोगों के साथ भी सिरदर्द की समस्या होती है। इसके साथ ही यदि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो ऐसे लोगों को भी सिर में दर्द होने की शिकायत रहती है। इसके साथ ही ऐसे लोग जिन्हें कि कब्ज और अपच की शिकायत होती है, तो इस तरह के लोगों के साथ भी ये कंडीशन हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपको किसी तरह का नेत्र रोग या फिर कान में, गले में या फिर दांतों में यदि दर्द की शिकायत रहती है या फिर इस तरह के रोग रहते हैं आपको जो कि आपकी आंखों में, नाक में, कान में, गले में होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सिरदर्द हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही यदि आप कुछ ऐसी दवाइयां खा लेते हैं जो कि बहुत ही गर्म होती हैं या फिर जो आपको सूट नहीं करती हैं, तो इस कारण भी आपको सिर में दर्द हो सकता है। और इसके साथ ही यदि आपको अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी की समस्या होती है तो ऐसे लोगों को भी सिरदर्द होता है। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही बेसिक से कारण जिनकी वजह से सिरदर्द होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।